मोदी की बात कर, कुत्ते की लात का कभी भरोसा नहीं करना जी। कभी यू टर्न ले जाए, कब क्या कहते, कभी जुमला कहते, कुछ नहीं पता है। बुद्धि आ गई उसको, गुरु महाराज ने सद्बुद्धि दे दी उसको जी। गुरु प्रकाश पर पे जो बोला 29 तारीख को ही ये संसद में रिपील बिल लाके पहले लोकसभा से फिर राज्यसभा से इनको पास करा के और फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर करा के नोटिफाई करके जब हमारे सामने आएगा विश्वास तब होगा। हमारी कुछ और भी मांगे थी, हमारी एक मांग थी एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, एमएसपी का कानून बनाया जाए, उसके विषय में कुछ नहीं कहा। जो हमारे किसान साथी हैं उन पे जो इस दौरान जहां भी जितने भी मुकदमे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, जितने भी मुकदमे किसानों पे हैं वो सारे मुकदमे भी वापस ले सरकार। ये एनआरसी के आंदोलन को जब ये कोरोना लगा तो उसके बाद वो खत्म हो गया, लेकिन उस आंदोलन में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन जिन लोगों ने भाग लिया, उस आंदोलन के बाद जब दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगे के आरोप में उनमें से अधिकतर लोगों के खिलाफ यूएपीए लगा के झूठी एफआईआर करके उन्हें जेलों में बंद कर दिया। हजारों लोग आज भी जेलों में बंद हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਜਯੰਤੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਗੀ, ਕੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ? ਬੁੱਧੀ ਆ ਗਈ ਉਸਕੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸਕੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰ ਪਈ ਜੋ ਬੋਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ, ਕੁੱਤੇ ਕੀ ਲਾਤ ਕਾ ਕਭੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਭੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਬ ਕਿਆ ਕਹਤੇ, ਕਭੀ ਜੁਮਲਾ ਕਹਤੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਬ ਤੱਕ ਇਸਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, 29 ਤਾਰੀਖ ਸੇ ਸੰਸਦ ਕਾ ਸਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, 29 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਹੀ ਯੇ ਸੰਸਦ ਮੇਂ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੇ ਇਨਕੋ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਬ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਬ ਹੋਗਾ ਜੀ। उससे पहले किसी विश्वास का कोई मतलब नहीं। किसान भी तो बैठे और शासन संसद का जो शासन चलेगा वहाँ पे भी जाने के लिए। हाँ नहीं, निश्चित रूप से भी हमारे पास तो अभी चारा ही क्या है, रास्ता ही क्या है, जब तक सबूत सामने ना हो तब तक कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मोदी जी तो कह के कभी भी मुकर जाते हैं, यू टर्न लेने में उनका कोई जवाब नहीं है, झूठ बोलने में दुनिया में नंबर वन है। तो जब तक ये सारी संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया ना हो, एक तो ये बात, दूसरी अभी केवल तीनों कानून वापस लेने की बात है जी। हमारी कुछ और भी मांगे थी, हमारी एक मांग थी एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, एमएसपी का कानून बनाया जाए, उसके विषय में कुछ नहीं कहा। कानून बनाने के विषय में कुछ जिक्र नहीं किया। इसके अलावा जो हमारे किसान साथी हैं उन पे जो इस दौरान जहां भी जितने भी मुकदमे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, जितने भी मुकदमे किसानों पे हैं वो सारे मुकदमे भी वापस ले सरकार, हर जगह से वो वापस ले। साथ में खीरी की घटना बिल्कुल का मैं उसी पे आ रहा हूँ। लखीमपुर खीरी में जो नृशंस हत्याकांड हुआ है जिसमें 4 किसान और एक हमारा 5वां साथी पत्रकार जी, जिनको गाड़ी से कुचल कर मार दिया, गृह राज्य मंत्री के षड्यंत्र के अनुसार उसके बेटे ने, तो गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से और उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। इसके अलावा जो बिजली बिल सरकार लाने की बात कर रही है, वो बिजली बिल उसको लाने का जो सोच है वो बिल्कुल बंद करे उसको, और जो पराली जलाने पर करोड़ों रुपए का जुर्माना है वो भी वो सारी चीजें खत्म करे। और इसके अलावा जो हमारे किसान साथी शहीद हुए इस पूरे काल में, उन 750 जितने भी हमारे साथी हैं, उन किसानों को, उनके परिवार को, हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का कम से कम मुआवजा होना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रधानमंत्री और मोदी सरकार की इन गलत नीतियों और उनके कार्यों की वजह से हुआ है। तो ये बाकी सारी चीजें हैं। वैसे संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला करेगा वो सभी मानेंगे, पर मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि अभी ये सारी चीजें हैं, जब तक ये नहीं होंगी तब तक किसी चीज का मैं नहीं समझता कोई मतलब है।
आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो इन्होंने ये कानून रिपील करने की बात कर रही, लेकिन अभी भी कई लीडर ऐसे हैं जो अभी भी शिकंज कर रहे हैं, अभी ये ऐसी बयानबाजी दे रही है कि ये तो किसानों के हितों के लिए थे और ये तो गलत हुआ उन्होंने रद्द कर। नहीं, मैं समझता हूँ ये वो लोग होंगे जो गोदी मीडिया की तरह जो बीजेपी की मोदी की दलाली करते होंगे, मैं नहीं समझता उसके अलावा कोई व्यक्ति ये बात कहेगा। दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखनी है कि मोदी सरकार का कोई भरोसा नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इस किसान आंदोलन से पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में था, वो आंदोलन था CANRC का जी। मैं उसमें पूरी तरह से शामिल रहा, मैं उसका गवाह हूँ पूरी तरह से। उस CANRC के आंदोलन को जब ये कोरोना लगा तो उसके बाद वो खत्म हो गया, लेकिन उस आंदोलन में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन जिन लोगों ने भाग लिया, उस आंदोलन के बाद जब दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगे के आरोप में उनमें से अधिकतर लोगों के खिलाफ UAPA लगा के झूठी FIR करके उन्हें जेलों में बंद कर दिया। हजारों लोग आज भी जेलों में बंद हैं। हालांकि हाई कोर्ट के सामने जब चीजें आती है तो वो कहती है कि बेगुनाह लोग हैं, इन्हें बंद कर रखा है, और जिसकी बेल देती है उसमें ये हर किसी का ये स्टेटमेंट आ रहा है कोर्ट की तरफ से। तो ऐसा ना हो, हमें सावधान रहना पड़ेगा कि इस आंदोलन के बाद में घर घर जाके जो हमारे साथी हैं, जो इस आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया है, किसान नेता हों या और भी जितने संगठनों के साथी हों, उनको इसी तरह की UAPA कानून में NSA में बंद किया जाए झूठी FIR वगैरह करके। तो सबको उसको भी ध्यान में रखना है, और सभी को अगर किसी एक के साथ में ये बात होती है, सबको इकट्ठा होकर उसके खिलाफ लड़ना है, संघर्ष करना चाहिए, ये मेरा कहना है। ये कह सकती है कि अगर ये आप हम संघर्ष जीतते तो इससे और भी संघर्ष है जो हमें नहीं, ये तो देखिए शुरुआत, ये तो इतनी ही शुरुआत है कि जिसको लोग कहते थे कि वो कभी झुकता नहीं है और जो फैसला कर दिया अटल है और मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो ये भी मुमकिन है कि मोदी खुद घुटनों पर है। तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि चाहे कितना भी अहंकारी, कैसा ही भी अपने आप को तुर्रम खा बनने वाला जो व्यक्ति हो, चाहे अपने आप को हिटलर समझने वाला व्यक्ति हो, अगर आप ईमानदारी से लड़ेंगे, आपका लक्ष्य अगर क्लियर होगा, विजन अगर आपका बिल्कुल साफ होगा, तो हर कोई चाहे कोई भी हो घुटनों पर आ ही जाएगा। तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत बहुत खुशी की बात है, सबको बधाई भी है कि जिसको समझते थे कुछ नहीं वो घुटनों पर आ गया, लेकिन उस व्यक्ति की अभी भी बेशर्मी ये देखिए कि प्रधानमंत्री ने जितने हमारे साथी शहीद हुए हैं उनके लिए संवेदना का एक शब्द भी नहीं कहा है। आप इस चीज को भी ध्यान में रखिए, और अभी भी यही कह रहा कि किसानों के भले के लिए कर रहे हैं, ये तो कुछ किसान हैं, कुछ किसान हैं, इसके मतलब ये है कि अभी भी उसके दिमाग में कोई ना कोई खुरापात चल रही है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी सुदर्श को, तुसी देख सकते भानु प्रताप सिंह भी यही गल कहते नजर आ रहे ने कि इस समय सानू खुशी नहीं मनानी चाहिए क्योंकि अजय जड़ी जंग है वह जारी हैगी, क्योंकि जब तक लिखती रूप दे विच कानून वो नहीं सानू देंदे कि रद्द हो चुके ने, तद तक भरोसा जड़ा करना बहुत मुश्किल हो रहा। सो बने रहो रोजाना स्पोक्समैन TV दे नाल, कैमरामैन जंगवीर दे नाल, मैं हरजीत कौर सिंह बार्डर दिल्ली।